हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी होममेड पावरफुल पेस्टिसाइड की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे यूज़ करके आप एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, मिलीबग इंसेक्ट्स को आसानी से गार्डन से दूर रख सकेंगे। फ्रेंड्स, इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए पहले आपको 75 ग्राम ग्रीन चिली और 75 ग्राम गार्लिक क्लोव्स लेकर ग्राइंडर में क्रश करना पड़ेगा। ठीक इस तरह अब एक प्लास्टिक के बॉटल लेकर उसमें 50 ग्राम जागीरी यानी गुड़ फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ऐड करनी है क्रश किया हुआ चिली और गार्लिक। अब ऐड करें 500 ml पानी। फ्रेंड्स, बॉटल में पानी फिल करते समय ख्याल रखें कि आपको बॉटल के ऊपर में 2-3 इंच तक पोर्शन एम्प्टी छोड़नी है। आप बॉटल को अच्छी तरह शेक करके 30 डेज तक कोई शेडी एरिया में रखनी है। फ्रेंड्स, हर दूसरे दिन आपको एक काम करनी है कि बॉटल के कैप को ठीक इस तरह एक बार खोल के फिर से क्लोज करना पड़ेगा। इससे होगा कि बॉटल में जो भी गैस तैयार होगी वो इस प्रोसेस से निकल जाएगी, नहीं तो बॉटल में ज़्यादा गैस होने के कारण बॉटल फट भी सकती है। 30 डेज के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारी पावरफुल पेस्टिसाइड तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स, इस पेस्टिसाइड को आपको स्ट्रेनर्स के मदद से छान लेनी है। फ्रेंड्स, अभी इस लिक्विड को आप डायरेक्टली प्लांट्स में स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इस लिक्विड को आपको पानी में डाइल्यूट करके ही प्लांट्स पर स्प्रे करना पड़ेगा। एक स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी लेकर उसमें 15 ml लिक्विड पेस्टिसाइड और 5 ml लिक्विड सोप डालकर अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब ये पेस्टिसाइड प्लांट्स पर स्प्रे करने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस पेस्टिसाइड को 10 डेज के अंतराल में किसी भी प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस पेस्टिसाइड को हमेशा शाम के टाइम में ही प्लांट्स पर स्प्रे करें। फ्रेंड्स, एक बार इस होममेड पावरफुल पेस्टिसाइड को आपके गार्डन के प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करके देखिए। आई होप इसकी रिजल्ट आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज यहीं तक, बाय।